ये दास्तां है एक बड़े ही जबरदस्त अभिनेत्री की, जिसने शुरुआत की बतौर हीरोइन और फिर बनी बड़े से बड़े हीरो की मम्मी भी। जन्म हुआ इनका 18 मई सन 1949 में शहर नई दिल्ली, नाम फरीदा जलाल। पापा, तुम कितने अच्छे हो पापा। अरे बहुत बड़ी खुशी की खबर है, पढ़ाई खत्म होते ही ना मैं अपने पापा के पास चली जाऊंगी, फिर हमेशा उनके पास रहूंगी। फरीदा जलाल की शुरुआत हुई दरअसल एक रियलिटी कॉन्टेस्ट से। जी हाँ, ये एक टैलेंट हंट था जिसमें राजेश खन्ना नंबर वन पे चुने गए थे बतौर हीरो और फरीदा जलाल चुनी गई थी नंबर वन पे बतौर हीरोइन। मैंने सोचा अकेले में दूंगी अपनी मुबारकबादी, इसलिए यहाँ छुप कर आपका इंतजार कर रही थी। प्लीज। फिल्म फेयर माधुरी का ये फंक्शन था और इस फंक्शन में मशहूर मारू प्रोड्यूसर ताराचंद बरजात्या साहब भी मौजूद थे। उन्हें फरीदा जलाल इतनी पसंद आई कि फिल्म तकदीर में उन्हें चांस दिया गया। राशि प्रोडक्शंस में काम करने के बाद तो इनकी तकदीर ही खुल गई। अरे ये जंगली सुअर की तरह रास्ता रोके काहे खड़ा हो गया, अरे हट। तेरे लिए भेंट लाया हूँ अर्जुन ठाकुर के तरफ से, असली सोने का है। ये तो बड़ा कीमती है रे, दबा के रख ले अपने घर। दबा के रख लूं? कैसे? तरकीब मैं बताती हूँ। बता। तेरी वो जो बहन है ना, उसे ये पहना के अर्जुन के सामने कर दे, बस अर्जुन का माल तेरे पास, तेरी बहन उसके पास। बकवास बंद कर। शेर सिंह की ये मूछें किसी के सामने आज तक नहीं झुकी। तू शेर सिंह नहीं, लोमड़ी सिंह है, लोमड़ी सिंह। उसके बाद आई बहारों की मंजिल और आई आराधना। आराधना फिल्म में ये राजेश खन्ना की हीरोइन बनी नजर आई थी, नाम था रेनू। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शर्मिला टैगोर ने भी इनका बहुत ख्याल रखा था। फरीदा जलाल की जोड़ी जमी मशहूर मारूफ अभिनेता डैनी डेंगोंगपा के साथ, चाहे वो फिल्म रही काला सोना या फिर धर्मात्मा। फरीदा जलाल यकीनन एक बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री बनके उभरी थी। ये लो, ये कौन सी नई बात है, अरे सारा गाँव जाने है। तुम्हें इस बात पे यकीन? यकीन ना हो तो फिर का होएगी। और मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब ने इनके व्यक्तित्व में एक और आयाम जोड़ दिया और वो था कॉमेडी का। महमूद साहब की वजह से फिल्म पारस में इन्होंने कुछ कॉमेडी करी थी। कितने बच्चे हो गए तो, जो हर समय पे पे करते रहते हो। अरे क्या हुआ है, बोलते काहे नहीं, काहे रो रहे हो? हम से एक पाप हो गया है। पाप हो गया? ठाकुर साहब ने कहा कि हम सिर्फ शादीशुदा आदमी को मकान देंगे। हमने कह दिया हम शादीशुदा, हमारी पत्नी मौजूद है। अरे मकान लेने के लिए इतना कह दिया कि पत्नी है तो क्या हुआ? फिर फुई? तुमको तो कई लड़के मिल जाएंगे, मेरा क्या होगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? हम कहाँ जाने? तुम नहीं जानती तो। फिल्म प्यार की कहानी की शूटिंग के दौरान से ही फरीदा जलाल अमिताभ बच्चन साहब को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। जी। और ये बात भी गौर करने लायक है कि बच्चन साहब और जया जी के विवाह में इन्हें भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि फिल्म प्यार की कहानी में अनिल धवन की हीरोइन बनी थी फरीदा जलाल और अमिताभ बच्चन की हीरोइन थी तनुजा। और उसके बाद एक वो लम्हा भी आया जब फरीदा जलाल फिल्मों को छोड़कर चली गईं। दरअसल 70 के दशक में मल्टी स्टारर फिल्म्स का फैशन आ गया था और सारे छोटे मोटे रोल बड़ी बड़ी हीरोइंस भी कर रही थी, लिहाजा फरीदा जलाल जैसे अभिनेत्री की कोई खास जगह रह नहीं गई थी। इन्होंने इस बात को भांप लिया और फिल्में छोड़ दी। इनका विवाह हुआ तबरेज साहब से। तबरेज साहब भी फिल्मों में काम कर रहे थे, जैसे कि प्यारे मदीना और दूसरी और भी सामाजिक फिल्में। इन दोनों की मुलाकात हुई जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान, पर शादी के बाद इन्हें बैंगलोर जाना पड़ा, इसलिए फिल्में भी छूट गईं और शादी से नहीं बेटा भी हुआ। फिल्म बॉबी में नजर आई थी और उसके बाद राज कपूर की फिल्म हिना में भी। फिल्म हिना के बाद तो फरीदा जलाल ने पलट के नहीं देखा। जी।
लगे तो हाँ करना, झूठ लगे तो ना करना, सच लगे तो हाँ करना, झूठ लगे तो ना करना, हाँ के ना। फिर तो फिल्में आई मम्मो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्या कहना, और फहरिस्त वाकई लंबी है। करदा जलाल टेलीविजन पे भी नजर आई थीं, सीरियल ये जो है जिंदगी में, फिर आई ये बतौर टेलीविजन होस्ट, शो था स्टार यार कलाकार। फिल्म्स और टेलीविजन में कॉमेडी से लेकर इमोशनल सीन्स, रोमांस से लेकर माँ तक के किरदार निभाने वाली फरीदा जलाल का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।